दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब मालिनी एक और घटिया चाल चलने वाली है और इमली पर लगाने वाली है इल्जाम। जी हां दोस्तों, शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां पर इमली को टाइम पर लेने नहीं पहुंच पाता आदित्य और इमली गलत लोगों के हाथों लग जाती है। उसे आइडिया भी नहीं होता है कि वो लोग उसे कहां लेकर जा रहे हैं और इमली यहां पर वो उड़ते हैं और कुछ आदमी उसे उठाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर रेड लाइट एरिया होता है और इमली को बेच दिया जाता है। और यहां पर बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इमली को बचाने के लिए आदित्य टाइम पर पहुंच तो जाता है, लेकिन तब तक सुबह हो जाती है और इमली खुद ब खुद ही उन लोगों को पीट मार कर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आती है, जहाँ पर लास्ट मोमेंट पर तो वो बेहोश हो जाती है और कुछ लोग देखते हैं कि इमली कहीं पर बेहोश पड़ी है सड़क पर ही। और आदित्य जब तक पहुँचता है इमली वहाँ से उस एरिया से निकल चुकी होती है, लेकिन इसी चीज़ का अब मालिनी इल्ज़ाम लगाती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी रात इमली गायब थी और वो जब बात बतानी है कि वो कहाँ थी, कैसे थी और कैसे वहाँ पर पहुँची और कैसे बच कर निकली, इस बात पर मालिनी ही उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, एक रात घर से बाहर रहने का इल्ज़ाम मालिनी उस पर लगाती है कि पता नहीं कोई लड़के भी होंगे, कोई किसी को पसंद करने लगी होगी और उल्टे सीधे सवालों के जो जाल उस पर लगा देगी। और यहाँ पर घर वालों को भी तगड़ा झटका लगता है कि इमली कैसे गायब हो गई और इमली एक रात तक बाहर क्या कर रही थी। और यहाँ पर मालिनी ऐसा सवाल खड़ा करेगी जिससे कि सभी के होश उड़ जाने वाले हैं। मालिनी इमली के चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर देगी जिससे कि इमली को तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आदित्य के पास कोई जवाब भी नहीं होगा, लेकिन आदित्य इमली से बहुत प्यार करता है और इमली भी आदित्य से बहुत प्यार करती है। लेकिन मालिनी अब यहाँ पर आदित्य के दिमाग में ये बात डाल देती है कि इमली एक रात तक बाहर रही थी। अब देखना यही होगा कि इमली और आदित्य को क्या मालिनी सच में दूर कर देगी और मालिनी के ये सवाल क्या इनके रिश्तों में एक दूरी ला देंगे। तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। परीक्षा है आदित्य के प्यार की कि वो कैसे इमली पर विश्वास करता है और कैसे मालिनी के सवालों का जवाब देता है।